प्यास बुलाया शिवम आया। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को किसी प्रवचन के। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देने के लिए आया हूं, क्योंकि आप लोगों ने इस चैनल पे इतना प्यार दिखाया तो ये बधाई तो आप लोगों को देना बनता ही है दोस्तों। और दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके मुझसे टॉपिक्स पूछे और मुझे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स दिए। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आप लोग मुझे प्यार और सपोर्ट अपना दिखा रहे हैं, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी होती कि आप लोगों ने मुझे काबिल समझा और मुझे अपना ये प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो अपना प्यार और सपोर्ट इस तरह बनाए रखिए, क्योंकि अगर आप नहीं तो हम कुछ नहीं। और दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा कि भैया बताइए बूस्ट खलीफा कैसे बना, किस तरह से बनाया गया। तो भैया देखिए, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी इतना ज़रा सिविल इंजीनियर तो हूँ नहीं, मैंने सिविल इंजीनियर की पढ़ाई तो की नहीं है। तो अभी तो हम अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो हमें अभी इतना नॉलेज नहीं, लेकिन जितना नॉलेज है उतना हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो भैया देखिए, हमारे पास बस हमें ये पता है क्या कि ये छोड़िए कि कैसे बनाया गया, ये जानते हैं कि क्यों बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, आखिर बुर्ज खलीफा इमारत को क्यों बनाया गया, ये आप लोग नहीं सोचते दोस्तों। एक समय था जब क्या देश में बहुत ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा नहीं थी, उससे पहले एक अमेरिका में बिल्डिंग थी जो कि बहुत ही ऊंची थी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद हर देश में जैसे ऊंची बिल्डिंग बनाने की मारामारी चलने लगी, तो उसके बाद अपना सऊदीया कैसे पीछे रहता, तो सऊदीया ने भी बुर्ज खलीफा बना दिया और बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बन गई। और साथ में दोस्तों इसे बनाने का एक कारण ये भी है कि यहाँ पे टूरिज्म चले, मतलब टूरिस्ट लोग आए इसे देखें कि अपनी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कैसी दिखती है। जैसा कि आप लोगों के मन में भी होता होगा कि भाई कभी हम दुबई जाएंगे तो बुर्ज खलीफा के दर्शन जरूर करेंगे। तो दोस्तों यही बात थी। और इंडिया में ऐसा क्यों नहीं किया गया, वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया में तो पहले से अपना ताजमहल, लाल किला है और भी बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं जो कि हमारे देश में हैं। ऐसी बहुत सारी इमारतें जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है और जिसके लिए टूरिस्ट आते रहते हैं। और दोस्तों बुर्ज खलीफा को बनाने का यही कारण है। और साथ में ये कारण कि ये टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है। और साथ में दोस्तों हमें पता है कि जब सऊदीया में तेल के कुएं खत्म होने लगेंगे, जब इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी, तो उसके बाद ये टूरिज्म के लिए ही सऊदीया ज्यादा फेमस होने वाला है। और उसके बाद दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको मेरे सजेशन, मेरा जो मैंने आपको बताया वो विकल्प अगर आपको अच्छा लगा, तो आप जाते जाते सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और लाइक बटन को ठोक दीजिए और कमेंट छोड़ दीजिए। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।